हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलराउंडर चैनल। मैं आपकी फ्रेंड लक्ष्मी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। यहाँ पर देखिए, अभी आज गणपति चालू हो रहे हैं तो उनको बिठाने के पहले मैंने उनका डेकोरेशन किया है। छोटा सा, बहुत ज़्यादा नहीं किया है, बहुत सिंपल में और बड़ा जल्दी हो गया है। तो ये देखने में भी बड़ा प्यारा लग रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हर साल की थीम लेती हूँ, इस बार की मेरी थीम थी कि मुझे सारा ऐसे फ्लावर से ही बनाना है। तो मैंने जो बनाया था झूला अपने कान्हा जी का, जिसकी मैंने वीडियो डाल रखी है, वो भी इन्हीं ऐसे ही फूल लेके आई थी, वो दूसरी बेल थी। और इस बार मैंने जो गणपति जी का बनाया है आसन, वो भी इन फूलों से ही बनाया है। और इसके पहले मैंने एक वीडियो डाली हुई है, जो मैंने इस बार मैं खरीद के नहीं लाई हूँ मूर्ति। मेरे बगल में एक लड़की रहती है, उसने बनाई है और बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनाई है। और उस तरीके से आप भी बना सकते हैं। अगर पसंद आया हो तो बताइएगा, मैं उसका ज़रूर एक वीडियो डालूंगी कि वो कैसे बनाती है, तो वो आपके बच्चे सीख भी जाएंगे। और यहाँ पर देखिए, ये डेकोरेशन बहुत सिंपल और बहुत स्वीट है। बस यहाँ पर हमने साइड में दो दिए रखे हैं, बीच में ये देखिए कलश की स्थापना है, उसके बाद उनका भोग। और ये देखिए, ये जो हमने बनाया हुआ है, ऐसी कुछ बाद में बनाना बता दूंगी मैं, फ़िलहाल तो मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी। तो ये देखिए डोलची है, और इस तरीके से बस फूल लगाया हुआ है। ये देख रहे होंगे आप, ये देखिए, ये कुछ लटकने हैं जिसको मैंने ऐसा बढ़ते क्रम में लगाया है। और पीला एक उनका पहले गद्दा, फिर पीली चादर, और लाल आसन पे उनको बिठाया जाता है। लाल पीछे मैंने तकिया दिया। और ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरे पास एक पेच रखा हुआ था, उसको मैंने उसमें लगा दिया है। और ये देखिए, अब मैं पास से दिखाती हूँ, ये कितना प्यारा लग रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये लाइट्स हैं, ये वो कलश जैसी दिख रही है, ये कलश वाली झालर आती है, उसको मैंने इसके चारों ओर लगा दिया है। तो ऐसा लग रहा है लाइन से कलश रखे हैं, और ये जल रहा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो अगर आपको ये डेकोरेशन पसंद आया हो, मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। एक बात आपको ज़रूर दिखा दूँ, यहाँ दो दिए हैं, ईश्वर के सीधे हाथ में घी का दिया जिसमें रुई की खड़ी बत्ती, और उल्टे हाथ में तिल्ली तेल का दिया जिसमें कि कलावे की लेटी हुई बत्ती लगाई जाती है। इन दो चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। उसके बाद तो धूप और सारी चीज़ें हैं, और मेरा मेन तो ये था आपको आसन दिखाने का। तो ये जो मैंने बनाया, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय श्री हरि।